नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अब नज़र तफसीली खबरों पर। हमारा सारा युद्ध की जानिब से भेजा खिदमात का सिलसिला जारी। भैंसा शहर के श्री साई दवाखाने में एक आमला खातून ज़ेर इलाज थी। डॉक्टरों के मुताबिक उस खातून को खून की अशद ज़रूरत महसूस होने पर अफराद ख़ानदान ने हमारा सारा युद्ध से रब पैदा किया, जिस पर हमारा सारा युद्ध ने प्रशांत से रब पैदा किया। प्रशांत हमारा सारा युद्ध रियासती सदर अयूब अहमद और मीर वाजिद अली के हमरा सरकारी दवाखाना पहुंचकर खून का अतिया देते हुए इस खातून की जान बचाई। इस मौके पर सोशल मीडिया इंचार्ज मोहम्मद इरशाद हुसैन, सैयद अमजद रामनाथ, मुदल तालुका सदर मुबीन स्मार्ट, जनरल सेक्रेटरी भैंसा टाउन मोहम्मद अमजद के अलावा दीगर मौजूद थे। वजीर जंगलात इंदिरा कैनेडी के हाथों देवेंद्र रेड्डी हॉस्पिटल का इफ्तिताह। निर्मल शहर के खानापुर रोड पर मौजूद देवेंद्र रेड्डी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का वजीर जंगलात इंदिरा रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मेहमानों की शालपोशी करते हुए इस्तकबाल किया गया। वजीर जंगलात इंदिरा रेड्डी ने अस्पताल जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। निर्मल से हमारे नुमाइंदे अली पाशा खादरी की रिपोर्ट। मौज़े बोर्ड के मुख्तलिफ सियासी कायदीन की जानिब से साई नगर कब्रस्तान की तामीर का मुतालबा। मौज़े बोर्ड के साई नगर इलाके में हिंदू कब्रस्तानी गैर मौजूदगी पर शेख मोहम्मद कायद कांग्रेस की ज़ेरे सदारत में एक वफद तहसील दराफिस पहुंचकर एमआरओ शिवराज को एक याददाश्त पेश की और मुतालबा किया कि साई नगर में कब्रस्तान को यकीनी बनाए। इस मौके पर सीपीआई गवर्धन सत्यनारायण शेख के अलावा दीगर पार्टी कायदीन मौजूद थे। दुबाग ज़मीनी इंतखाबात प्रचार सिलसिला आखिरी मरहले में दाखिल। दुबाग इंतखाबात प्रचार आखिरी मरहले में शामिल, जिसके पेश नज़र तमाम सियासी जमातें काफ़ी मुतरिक नज़र आ रही है। हर कोई वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जे करने में लगा हुआ है। बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन की हिमायत में भैंसा शहर बीजेपी कायदीन की एक वफद ज़ेर सदारत बालाजी सूत्रे दुबाग पहुँचकर घर घर जाकर बीजेपी और गोवर्धन के हक़ में वोट देने की अपील की। మన కష్టాలు ఏమన్నా ఉంటే అక్కడ మాట్లాడి గొంతెత్తి మన కోసం పని చేసి ఒక మంచి నాయకుడు రగన్నకు మీరు కమలం పువ్వు గుర్తుకు ఓటేయండి। తర్వాత మనకి ఇప్పటివరకు చదువుకున్న మన యువతకు ఒక్క ఉద్యోగం కూడా లేదు। 7 సంవత్సరాలు అయ్యింది టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పాలనలో గాని ఒక్క డిఎస్సీ లేదు। అక్కడ ఆంధ్రాలో ఉన్నా 3 సార్లు డిఎస్సీ చేసిండు, ప్రతి ఒక్కరికి జాబ్స్ వచ్చినాయి, ఇక్కడ జాబ్ లేదు। मिटपली शहर के मौजों डब्बो तिमियापिल्ली के एक शख्स की कोरोना की वजह से मौत वाक़ हो गई। इस शख्स का कोई सहारा ना होने की वजह से गांव के जिम्मेदारान, जिसमें सरपंच गडेला गंगा प्रसाद, मधो, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद मकीद, जगन ने आगे बढ़कर आखिर रस्मत अदा की, जिस पर सरपंच गंगा प्रसाद ने तमाम गाँव के नौजवानों से इजहार तशक्कुर करते हुए इसको वाक़े को एक इंसानियत की बेहतरीन मिसाल कहा। मिटपली से हमारे नुमाइंदे फेरोज खान की रिपोर्ट। लोकेश्वर तहसील ऑफिस में धरानी पोर्टल मरकज का इफ्तिताह। आज लोकेश्वर मंडल के तहसील ऑफिस में धरानी पोर्टल ऑनलाइन सेंटर का तहसीलदार वेंकट राव, साबिका ZP चेयरमैन लोलम श्याम सुंदर के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर तहसीलदार वेंकट राव ने खिताब करते हुए कहा कि इस मरकज में तमाम अर्जियात का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, लिहाजा इससे इस्तेफादा हासिल करने की अवाम से अपील की। इस मौके पर MPP ललिता भोजन्ना, MPDO विद्या क्रांति, कंप्यूटर ऑपरेटर साई राजेंद्र बाबू के अलावा दिगर मौजूद थे। मुदल से हमारे नुमाइंदे मीर वाजिद अली की रिपोर्ट। मंडल तरफ
कृतज्ञता मरी धरनी अंदर मरी एवरक अवसर अंदर उपयोग। Thanks for watching.